ये है भारत के हर घर में पाए जाने वाला एक क्योटिक मेडिसिन का डब्बा। सही बात। हमारे परिवार के बुजुर्ग हर रोज अपनी दवा लेने के लिए एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी दवा किस समय लेनी है, और 40% बुजुर्ग अपनी दवा को सही मात्रा, सही समय और सही क्वांटिटी में लेने के लिए किसी ना किसी केयर गिवर पर डिपेंड करते हैं। और इसीलिए फार्मालामा में हमने ढूंढा है इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन। नाइस। हेलो शॉक्स, मेरा नाम अचिंत्य दयाल है, मैं बैंगलोर से हूँ। मेरा नाम अर्जुन है, मैं भी बैंगलोर से हूँ। मेरा नाम है दीपेश राजपाल, मैं जयपुर से हूँ। और हम एक कोफाउंडर्स ऑफ फार्मालामा। शॉक्स, भारत में बहुत सारी फार्मेसीज हैं जो ऑनलाइन डिलीवर तो करती ही हैं, लेकिन उनका काम वहीं तक खत्म हो जाता है। फार्मालामा उसको एक स्टेप आगे लेके जाता है। हमारी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी की मदद से मशीन प्रिस्क्रिप्शन को समझती है और उसको छोटे छोटे पैकेट्स में और सैशेज में पैक करती है। हर सैशे में उनका नाम, डोज, दिन, टाइम और जो मात्रा है वो लिखी रहती है। US में ऐसे ही होता है, लेकिन पिल बॉक्स होता है। यस, एग्जैक्टली। हमने इस सर्विस को लास्ट 4 महीने में लॉन्च किया है और हमें बेसिकली 5,000 ज्यादा परिवारों का इसमें प्यार मिला है। और शख्स, हमारी यही विजन है कि भारत के हर घर में इस केओटिक मेडिसिन डब्बा को फार्मालामा स्मार्ट पिल बॉक्स से रिप्लेस करे। नाइस। हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 1.5% ऑफ अ कंपनी। जीज। सो शख्स, चाहे चाचा हो या मामा, हर घर में होगा फार्मालामा। अगर आप लोगों की परमिशन है शाख, हम आपको एक सिंपल ऐप डेमो देना चाहते हैं। प्लीज दिखाइए। सो शाख, कोई भी कस्टमर या कोई भी जो दवाई लेता है उसको बहुत सिंपल है स्टार्ट करना। जैसे यहाँ पर हमारे राजेश्वरी राजपाल जी का प्रिस्क्रिप्शन पड़ा है, कुछ नहीं करना उनको, अपने प्रिस्क्रिप्शन की एक बहुत क्लीन अच्छी सी फोटो लेनी है और हमारे सिस्टम पे अपलोड कर देनी है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, मैंने 2-3 ऑलरेडी पेशेंट्स ऐड किए हुए हैं। यहाँ मैं राजेश्वरी जी को ऐड कर रहा हूँ और मैंने इसको फाइनली सबमिट कर दिया। जैसे ही वो अपलोड हुआ, ये हमारे डैशबोर्ड पे ऑर्डर सबसे ऊपर दिख गया। ये डैशबोर्ड हमारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट खोल के बैठे हुए हैं और जैसे ही उनके पास ऑर्डर आता है, वो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और चेक करते हैं कि वेदर वो प्रिस्क्रिप्शन ऑथेंटिक है और उसका डेट, टाइम सब कुछ चेक करते हैं। फार्मालामा की बेस्ट पार्ट है कि अगर आप 7 दिन की दवाई ले रहे हैं तो आपको पूरा पत्ता नहीं खरीदना, आपको सिर्फ 7 दवाई के ही पैसे देने। बहुत सही चीज है, बहुत वेस्टेज होती है पता है इसमें। और एक कॉल करके वो डायरेक्ट कनेक्ट करके वो उनको प्राइस की कंफर्मेशन लेते हैं कि आपका ये कॉस्ट आ रहा है, और जैसे कंफर्मेशन मिलता है हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग में चला जाता है, इंडिया की पहली ऑटोमेटेड फार्मेसी में। ऑर्डर आते ही उन दवाइयों को टैब यूज करके उनको मशीन में फीड कर रही है, ये ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन में गए। यहाँ पर वो हर दवाई जो आपकी है वो पहले क्वालिटी चेक होती है कि ये दवाई उस ऑर्डर नंबर से मैच कर रही है, ये वही है जो ली जा रही है कि नहीं ली जा रही। और यहाँ पर ये मशीन अब आपके पैकेट्स बनाना शुरू कर दिया। हर पैकेट में दवाई का नाम, समय, तारीख लिखी होती है। अभी हम इंग्लिश में कर रहे हैं पर बहुत जल्दी हम इंडिया के हर लैंग्वेज में, मेन लैंग्वेज में लाने वाले हैं। ये QC मशीन है जो 100% ऑटोमेटेड क्वालिटी कंट्रोल है और उसके बाद ये पैकेट होता है और जाता है। Excellent. शाक्स, ये मशीन जो होती है, ओरिजिनल मशीन्स, ये डिजाइन होती है हॉस्पिटल्स के लिए बाहर कंट्रीज में, और इनकी थ्रोपुट होता है 20 मिनट से 25 मिनट लगते हैं एक ऑर्डर बनाने में। हमने पूरी टेक्नोलॉजी लेयर इसकी स्क्रैप करी और पूरी नई बनाई, और अब हम गर्व से कह सकते हैं हम 1 घंटे में 25 ऑर्डर एक मशीन से डिस्पेंस कर रहे हैं। तो आपने इनोवेशन हार्डवेयर पे भी किया है? हमने IoT पे भी किया है, हमारा पूरा एक IoT डिविजन है जो हार्डवेयर पे रिसर्च करता है। तो ये आइडिया हमें एक्चुअली आया था 2019 मिड में, जब मेरी मॉम किडनी फेलियर से डायग्नोज हुई थी। सॉरी। और बेसिकली रीजन ये बताया गया था कि जो मेडिसिन वो ले रही थी उनके ओवरडोजेज की वजह से उनकी किडनी पर बहुत इफेक्ट हुआ है, और वो हमें बहुत खलता था। तो हम लोग ने फिर इसका एक सोल्यूशन निकाला कि हम लोग इसको एक्चुअली पेपर में स्टेपल करके मेरी मॉम के लिए छोड़ के काम के लिए जाते थे। फिर हमें समझ में आया कि इसका एक ऑटोमेटेड वर्जन भी बन सकता है। और फिर लोगों से बात करने के बाद हमें ये भी पता चला कि अल्जाइमर, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, इन सारे पेशेंट्स को एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब ACG से इन लोगों ने करना शुरू किया, इन लोगों ने से बात भी की और मैंने कहा ये परफेक्ट है, बिकॉज वो लोग लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं फॉर पैकेजिंग मशीन्स। आई थिंक अगर ये करना है, इंडिया में लेवल पे लाना है
और इन मशीन के थ्रोपुट को इम्प्रूव करना है और पैकेजिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो इनसे बेस्ट पार्टनर्स और इनसे बेस्ट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स कोई हो ही नहीं सकते। एसीजी पैम्पैक से बात की आपने? यस। कौन है वो? एसीजी पैम्पैक ऑटोमेशन मशीन बनाते हैं पैकेजिंग की। एसोसिएट कैप्सूल ग्रुप, दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर फॉर फिल्म्स एंड फॉइल्स, दवाइयों को वो पैकेज करने की टेक्नोलॉजी, दे आर सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कितना पैसा लिया उनसे? हम लोगों ने 5 करोड़ रेस किया था इनिशियली। अरे वाह, कितना इक्विटी दिया 5 करोड़? तो हम लोगों ने इनको बेसिकली 50.9 इक्विटी दिया। और आपके पास आज कितनी है? 49.1। उसके बाद कोई राउंड नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, हां, तो देयर अ स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर। यस। और इसकी सारी आईपी वो एसीजी पैम्पैक के पास रहेगा, आपके पास एक जॉइंट एमओयू है हमारा जहां पर हम कॉमनली शेयर करते हैं, पर 3 साल के लिए वो लॉक है। एक मशीन कितनी की आती है वैसे? तो एक मशीन रफली अबाउट 1.34 करोड़ की आती है। मशीन्स आर एक्सपेंसिव। पिलपैक और आप में एग्जैक्टली क्या फर्क है? मैम, हम लोग एग्जैक्ट पिलपैक फॉर इंडिया है और हम लोग चाहते कि मैं आपको एक सैंपल्स दे के दिखाऊं कि ये फील कैसे होता है। या प्लीज दिखाइए। अच्छा, पहले ये बताइए लामा क्यों, ऐसे नाम क्यों चुना और ये सिंबल क्यों चुना? जनरली दवाई के डब्बे को देख के स्माइल नहीं आती है। सो स्वीट। इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि एक मास्कॉट डालें कि वो आपको एटलीस्ट जब आप दवाइयां निकाल रहे हो कि आपको एक रिकॉल वैल्यू मिले और आप ये ब्रैग वर्दी आप अपने डाइनिंग टेबल पे रख सके। अच्छा। अगर मैं 1MG हूं, पिल पैक तो इंडिया में बेच सकता है ना, तो मैं पिल पैक के पास जाऊं और उसको बोलूं ये मशीन मुझे दे दे, तो वो दे सकता है? सर, मशीन तो दे सकता है लेकिन वो बैकवर्ड ऑप्टिमाइजेशन जो हम लोगों ने किया है। क्या 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 फर्क होगा? नहीं, पिलपैक नहीं देगा बिकॉज Amazon owns it now। हाँ, तो Amazon can do it with themselves। Amazon क्या कर सकता है? वो मशीन नहीं बेचते हैं। Amazon, वो कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देंगे क्योंकि वो खुद अपने आप में एक फार्मेसी है। बट उनको अगर मशीन चाहिए तो उनको वापस हॉस्पिटल्स वाली मशीन लेनी पड़ेगी और ये पूरी टेक्नोलॉजी रीडेवलप करनी पड़ेगी। ये कितना एक्स्ट्रा पड़ रहा है ये, मतलब इसकी पैकेजिंग कॉस्ट हमें अमेजिंगली सिर्फ 20 रुपए पर ऑर्डर आ रही है। ये डब्बा और एक और डब्बा और अंदर जो पैकेट सब मिला के 20 रुपए? नहीं सर, वो एक्चुअली वो डब्बा खाली शार्क टैंक के लिए। ओके, वेटिंग है। थैंक यू। मेडिसिन का कॉस्ट कितना इंक्रीज हो जाता है आपके ये प्रोसेस करने से? ये बेस्ट पार्ट है, हमारी फार्मेसी दवाइयां MRP पे ही देती हैं। हम 1 रुपए भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। नहीं, MRP छोड़िए, हिंदुस्तान में भाई डिस्काउंट मिलता है। देखिए क्या है ना, इंडिया में अभी एनीवेयर फ्रॉम थोड़ा कम हो गया, पहले 20-25% डिस्काउंट मिलता था ऑनलाइन फार्मेसी पे, अभी वो 15% के पास आ गया। तो आप क्या वो 15% डिस्काउंट नहीं देते हैं? तो मतलब यू आर 15% मोर एक्सपेंसिव। क्योंकि मेरे फादर जैसे कुछ मेडिसिन लेते हैं, वो बहुत खुश होगा मैं इस सॉल्यूशन से और मैं पैसे देने के लिए भी रेडी रहूंगा, पर जैसे ही उनको पता चलेगा कि MRP पे आ रहा है तो वापस कहेंगे भाई मेरी 25% डिस्काउंट से तो मंगा दे वहां से। Exactly। MRP स्टक क्यों है आप? अगर आप MRP से कम बेच देंगे तो नुकसान है अपने को? नहीं, हम बेच सकते हैं सर, बिल्कुल बेच सकते हैं। हम बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर स्पेंड मोर देन 20-25% दवाइयों की पैकेजिंग पे, और हम वो जब ये बल्क में उनसे कैनिस्टर्स में लेंगे एक लेवल पे आके, तो हमारा मार्जिन और एक्सटेंड होगा अराउंड 15-20% पीछे, तो हमारा मार्जिन बढ़ के 48% आएगा। पर ये लंबा गेम है, उनको अपनी पैकेजिंग चेंज करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी केपेक्स की, वो अलग है। वो ड्रम्स में ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हैं, वो देने को तैयार होते हैं मैन्युफैक्चरर। हमने कुछ मैन्युफैक्चरर जो हमें इन्वेस्ट करने को भी रेडी हैं और वो चाहते हैं कि वो स्केल पे हमारे साथ इस मॉडल पे जुड़े। मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है आपके राउंड में और आपकी कंपनी में। मेरे 2-3 सवाल है। सबसे पहले, आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना है? Is around 875-900 rupees। और आपका एक ऑर्डर का वैल्यू कितना है? 1400। तो आप सिर्फ इस पे खेल रहे हैं कि आगे जाके वो हमसे लेता रहे? करेक्ट। अभी तक रिटेंशन कितना है? 91%। कितने महीनों में? 5 months of operations। और ये 5000 कस्टमर्स में से? 5000 से ज्यादा है सर। 5000 से ज्यादा, तो रिटेंशन का मतलब कि जो आपसे 5 महीने पहले खरीद रहे थे वो अभी भी खरीद रहे हैं, सब्सक्रिप्शन चल रहा है। Yes। तो ये 800-900 रुपये आप कितने टाइम में बना लोगे? 800-900 हम इजीली 5 ऑर्डर्स में हमारे पास। और आपका कुछ अंदाजा है कि लाइफ टाइम वैल्यू क्या होगा कस्टमर? अगर कोई भी पेशेंट होता है वो कम से कम अपनी दवाई 4-5 साल तक हमसे जुड़ा रहेगा, अनलेस या तो उनकी दवाई। चलो 3 साल की वैल्यू पकड़ लेते हैं। क्या होगा कस्टमर का एवरेज वैल्यू फॉर 3 इयर्स? 42,000। तो ये प्रॉब्लम तो रही नहीं।
सॉरी सेल्स क्या था? हम लोग ने 4 महीने में अभी पब्लिक के लिए लॉन्च किया था. हम लोग ने लास्ट ईयर हमारी सेल्स 17 लाख थी. इस ईयर हम लोग ने लास्ट 5 महीने में हमारी सेल्स अबाउट 85 लाख है. लास्ट मंथ कितना? 24 लाख. तो ग्रोथ मंथ ऑन मंथ क्या हो रहा है आपका अभी? 100% ग्रोथ. आपने मशीन की सप्लाई भी लॉक इन कर ली ना? हाँ, yes. हम लोगों ने 3 इयर्स एक्सक्लूसिविटी साइन किया है. पर मशीन के पैसे देने पड़ते हैं आपको या फ्री है? एक छोटी सी रेंटल अमाउंट हम लोग देते हैं महीने के. इट्स गुड, दिस आर एक्सपेंसिव मशीन्स. अभी आपने एसीजी पैम्पैक को 51% दे दिया है. फाइनेंशियल इन्वेस्टर आएगा तो उसको समझ नहीं आ रहा मैं पैसा कैसे बनाऊंगा, करेक्ट? ये हो रहा है अभी? नहीं, एक्चुअली हमारा काफी इंटरेस्ट आ रहा है. वी ऑलरेडी हैव अ वेरी सॉलिड टर्म शीट विद अस. क्या टर्म शीट है? हम लोग नाम नहीं रिवील कर सकते, लेकिन इंडिया के लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेयर्स से हमें एक टर्म शीट मिल चुकी है ऑलरेडी. स्ट्रेटेजिक मिला ना फिर से? स्ट्रेटेजिक मिल रहा है सर, लेकिन हम लोग एक राउंड क्रिएट कर रहे हैं जिसमें और भी वीसीज पार्टिसिपेट. क्या राउंड है, क्या वैल्यूएशन है? 45 करोड़ पे की फ्लोर वैल्यू है. वो कन्वर्टेबल, वो लोग कन्वर्टेबल नोट पे. क्या लगता है भाई, यहाँ से क्या चाहते हो आप आज? सर, हमारी आस्क बेसिकली यही थी कि अब हम लोग 1 करोड़ फॉर 1.5% के लिए लें, और आपसे बेसिकली जो D2C एक्सपर्टाइज है, जो मार्केटिंग के मैकेनिज्म्स हैं, वो सब यूज करके हम लोग ये कॉमन आदमी तक पहुँचा सकें. वो हम लोग आपके ब्रांड्स कर चुके हैं और हम वो आपसे सीखना चाहते हैं और सीख के इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. चलिए, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, लेकिन जल्द आपको बताना पड़ेगा हाँ कि ना. You want 1 crore? Yes, sir. मैं आपको वही 45 crore के valuation पे देता हूँ. क्या लगता है आप? दे दिया उसने 45% का valuation. सर, हम सारे sharks से एक बार सुन सकते हैं अगर आप इजाजत दे तो. You are a good boy. क्या ऑफर मिली अनुपम? यही जो इनको चाहिए थी. सबको मिला दूं लड़ने की जगह. ऑफर मुझे इतना कम मिले? नहीं, अमाउंट बढ़ाते हैं. 2 करोड़ 5% भाई साहब डील कर अनुपम. बात कर सकते हैं? एक ऑफर देते हैं, देखो हम आपको 2 करोड़ देते हैं 1 करोड़ की जगह, बिकॉज हमको मीनिंगफुल स्टेक चाहिए. 5 शाख आते हैं 1% भाई साहब डील. अब हमें 1-1 ईच चाहिए, देखो टू बी ऑनेस्ट. 1% ईच की बिना मजा नहीं आएगा. 1% ईच एंड वी विल गिव यू 2 crores इंस्टेड ऑफ 1. 2 crore for 5% base values, floor values से 5 crore कम है. अरे बॉस, 5 sharks आ रहे हैं. तो क्या decide किया? एक counter है सर. क्या आप इसको 2 crore 4% पे कर सकते हैं? नहीं. It's a 5 shark deal जो बहुत rarely होती है. और जो हमारी 5 shark last season में लेके गया ना, वो आज top कर रही है. They have gone off the chart. ACG Pampack is one of our biggest suppliers, right? For packaging machines. So you can imagine, हम ये काम पिछले 12 साल से कर रहे हैं integration का. Anupam can open doors to investors and help you put the deal together कि strategic के साथ क्या deal करनी है. आपको मेडिसिन अरे डिस्काउंट आप कैसे दे सकेंगे? दैट्स गोइंग टू बी योर की. चलिए चलिए, खत्म कीजिए यार. 1-2-3 करो यार. लेट्स डू अ डील. डील पक्की. डील पक्की. थैंक यू. ऑलराइट. 5 shark deal. बॉस, गुड वर्क. आई हैव टू से इन ऑल द पिचेस टिल डेट, दिस इज माय फेवरेट. इट्स नॉट अबाउट मनी. इट्स अमेजिंग. दिस इज बोथ फ्रॉम अ विजन and from the tech, this is my favorite because hardware software is the future. Thank you so much. Thank you so much, sir. आज आपको मैं मिला हूँ, बाकी चार free. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.